इस अंडे को किसी भी तरह से इस पानी के ऊपर तैरा दो भाई साहब, जो ये डूब गया। हाँ। अगर आपने कारनामा कर दिया इनाम मिलेगा आपको 500 रुपए का, ये 500 रुपए है नगद। मैं तैरा दिया तो भाई, देखो ये अंडा इस टाइम पानी के नीचे पहुंच गया। हाँ। ऐसा काम करो कि अंडा पानी के ऊपर तैरने लगे, किसी भी तरह से पानी के ऊपर तैरने लगे। सुनो, टेबल पर रखी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये है चम्मच, ये है पेंसिल और ये है नमक, ताकि बाद में ये ना कहो कि यार हमें बताया नहीं। तेरा दूंगा भाई साहब, देखो चलाओ चलो, इनाम 500 रुपए का, करने का कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा है। अभी देखो अंडा मत तोड़ दियो उसके अंदर भाई साहब, देखो भाई तो तैयार गया। कहाँ तैयार गया? लाओ लाओ, देखो तो इसे पेंसिल हटाओ ना भैया, छोड़ो देखो, जल्दी देखो छोड़ो इसे, ये ऐसे ही रुका रहना चाहिए, पानी के ऊपर तैरना चाहिए ऐसे ही। अभी देखो चलो, तो इसे ऊपर ही तो तैराना है, इसी बात का तो 500 रुपए है, और आपसे करने कोई फीस नहीं, फ्री सेवा है। कोशिश करने में कोई हर्ज ना भाई, भाई साहब अपने हाथ से डाल के सुनो, हाथ में लेके देख लो अंडा ही है ना है, चेक कर लो। अभी तो मैं कह रहा हूँ यार अंडा ही है भाई साहब, देख रहे हैं ना, ये तो अंडा ही है, फोड़ के देख लो, फोड़ के बाद में देख लेना, पहले भाई साहब हमारा एक काम कर दो। देखो मैं ऐसा डालूं, हो सकता है ऐसे रुक जाए। चलो ऐसा डाल, छोड़ो छोड़ो, तैर रहा छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो नीचे जा रहा है भाई। ऐसा काम करो ये पानी के ऊपर तैरने लगे और तैरता ही रहे, इस तरह से कोई तरकीब निकालो इसकी। तुम ये ज्यादा बड़े उस्ताद लग रहे हो, 50 का नोट दूंगा भाई साहब, अगर मैंने तैरा दिया तो। और ये 500 ले लूंगा ना तेरा तो। चलो तैरा ये तुम जरा, बहुत 500 तुम अकेले लोगे, इन्हें भी दोगे? इन्हें ना दूंगा, अगर 500 में हिस्सा लेना तुम भी कुछ दो इनाम का। है? हाँ मैंने कर पाया तो अपने पैसे ही वापस लेना, 500 में हिस्सा मिल जाएगा आपको आधा, वरना इनको जाएंगे 50 रुपए। बड़े कंजूस हो रहे हो, खाली 50-50 रुपए दे रहे हो बस। चलो कोई बात, जाने को दूंगा तो मैं नाम को अब 50-50 आपके वापस मिल जाएंगे, और जो 500 उसमें 250 हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, अब करके दिखाओ भाई साहब। देखो भाई साहब ये आ गया अंडा बाहर, देखो तैर गया ना, तैर गया, चलो पक्के मुझे। और क्या, अरे ऐसे कैसे मान जाएंगे? देखो आप, मैंने आपसे कहा था टेबल पर रखी कोई भी चीज यूज कर सकते हो। चलो ये है इसमें ग्लास में नमक, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे तो और भारी हो जाएगा। नमक का भाई साहब, नमक की साइंस देखो क्या होता है नमक से, तो नमक का क्या आमलेट बनाओ भाई साहब। देखो भाई साहब देखते रहो आप क्या होता है, अभी आपके सामने क्या होता है देखते रहना। हाँ देख रहे हैं क्या होता है, ये कोई जादू नहीं है, कोई नजरबंदी नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस है। तो नमक से तो पानी और भारी हो जाएगा भाई साहब। अरे भाई साहब देखो सही आप खेल, 3-4 चम्मच मुझे नमक डालना था, फिर बताना आप क्या होता है, ऐसे घोल लो। अंडा तैर जाएगा, अंडा ना तैरने का, अंडा तैरेगा ऊपर और भाई साहब सुनो और तैरता ही रहेगा, फिर डूबेगा नहीं जब तक आप ऐसे रुक रहा है यार, जब तक आप पानी चेंज ना करोगे वो पानी के ऊपर तैरता ही रहेगा। वो मैंने यूं ही रखा है, अभी रुक जाओ भाई साहब, अभी रुक जाओ, अंडा ऊपर आ ही रहा है भाई साहब। अरे रुक जाओ भाई साहब, भैया नमक मुझे घोलने तो दो जरा, मेरी मर्जी का, फिर बताना आप ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी क्या है लोन की मर्जी का, नमक घोल ले दो ना, पूरा गिलास ही डाल दो भाई साहब, ना पूरा गिलास को डालेंगे यार, देखते रहो जरा आप। चलो देख ही रहे हैं, नमक घुलेगा पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा साफ ही, उसके बाद अंडा भी बिल्कुल आपको साफ दिखेगा पानी के ऊपर तैरता हुआ। अच्छा समझ गए आप, अरे ऐसा तैर रहा है कोई, अरे ऐसे ही तैरेगा भाई साहब, हमें तो भाई साहब कहीं से कहीं तक ऐसा तैर जाएगा, ऐसे ही तैरेगा, अंडा नहीं तैर सकता पानी में भाई साहब, पानी में बैठ जाता अंडा। अरे भाई साहब ये हमारा अंडा बैठ गया, मैं बेवकूफ हूँ, आपको 500 रुपए दे रहा था मैं ये करने के, या इनमें से दूंगा आपको, मैंने कर पाया तो मेरा क्या फायदा है, नुकसान तो मेरा ही है भाई साहब, जरा देख तो जरा, अरे देखो अंडा ऊपर आ गया है ना, जरा इससे पेंसिल से करता हूँ, चम्मच से नमक घुल नहीं पा रहा है सही से, अरे अंडा तो ऊपर आ गया भाई साहब बहुत देर का, लेकिन मैं फिर आपकी पूरी संतुष्टि करना चाहता हूँ मैं, जिससे आपको किसी तरह ना तेरे का वो तो धोखे से लगा आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आपके सामने हो जाएगा, सलाई से आ रहा है ऊपर को, अरे अभी देखो भाई घूम रहा है, तो मैं भी घुमा रहा, अंडे की सतह दिख रही है ऊपर आपको? हाँ दिख रही है, अभी बैठ जाएगा नीचे, सुन लो सतह दिख रही है, देखो अभी बैठेगा, ये तैर रहा है पानी के ऊपर, देखो बैठ गया भाई साहब, अब अगर तुम इसे नीचे बैठा दो तो मैं 500 रुपए दूंगा आपको, जब तो थे तैराने के, अब 500 रुपए नीचे बैठाने के, तो दोबारा डाल लो और घोल दूं मैं इसे नमक को, इससे पानी साफ हो जाए थोड़ा सा, लो भाई साहब अब बैठेगा, देखो नीचे मुझे नहा रहा है, अरे लो भैया देखो बैठ गया, अब अगर आप इसे, अरे सुनो अगर आप इसे नीचे बैठा दो कल तक भी 500 रुपए और दूंगा, करो ट्राई, लो बैठी ले रहे, अभी से पहले शर्त क्या थी हमारी कि अंडे को आपको तैराना है, तैरा मैंने दिया, अब अगर आप इसे नीचे बिठा दो भाई साहब किसी भी तरह से 500 रुपए फ्री, बैठ गया, डबल गेम कर दिया मैंने आपके लिए, बैठ गया,
ये हटाओ पेंसिल, किसी खा के बस की बात नहीं है, ऐसे नीचे बैठा दे आप। भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, ये नमक का क्या कमाल है भाई साहब, अब ये बताओ क्या नमक से तैरने लगा भाई साहब। नमक ने जो पानी के जो वो होते हैं ना अणु, उनके बीच जो गैप होता है उसमें नमक भर गया, पानी हो गया भारी, अंडा हो गया हल्का, इसलिए अंडा ऊपर आ गया। ये इसकी साइंस है, कोई जादू नहीं है, कोई नजरबंदी नहीं है। अब इसे कोई भी नीचे बैठा नहीं सकता इस अंडे को, ये तैरता ही रहेगा ऊपर। अच्छा भी, बहुत अच्छा। और ये नहीं, आज ये जब तक इस पानी में पड़ा रहेगा ये तैरते रहेगा। आप अगर पानी चेंज कर दोगे, नया पानी डाल दो बिना नमक का, तब ये नीचे डूब जाएगा। यही अंडा, अंडे में कोई खासियत पैदा नहीं हुई है, पानी भारी हो गया समझे, ये मामला। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इनाम रखो, ठीक है भाई।